मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आज कोच में पुलिस कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया गया। कोच कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म करने के लिए चल रहे वैक्सीनेशन के प्रथम चरण के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्र में पदस्थ चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य सेवा से जुड़े नगर के अन्य सभी निजी कर्मियों को वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया था। साथ ही SDM अशोक कुमार ने भी टीका लगवाया था। गुरुवार को पुलिस कर्मियों को भी टीका लगाया गया। कुल 74 पुलिस कर्मियों का पंजीकरण हुआ था, जिनमें वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश सिंह खेड़ा, चौकी प्रभारी शफीक अहमद, मंडी चौकी प्रभारी अशोक कुमार आदि कोतवाली स्टाफ सदस्यों व 43 पुलिस कर्मी टीका लगवाने के लिए पहुंचे। केंद्र प्रभारी डॉक्टर RK शुक्ला के साथ डॉक्टर RK गोड़, स्टाफ नर्स सत्यवती, रेखा यादव, अर्चना सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, अजय झा आदि स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। जलौन से जिला संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। लगाने का उद्देश्य, अब डॉक्टर ने तो बताया था कि इसमें से जो बीमारियों की जो क्षमता होती है, जो कोई मतलब बीमारी आगे आने वाली होती है, वो बीमारी आपको असर नहीं करेगी। जो बीमारी आएगी वो असर नहीं करेगी और आपकी क्षमता को भी बढ़ाएगी। जो भी रोग आएंगे तो उससे लड़ने की अधिक से अधिक क्षमता है। इस वजह से उन्होंने बताया था कि परेशान न हो, इसमें अच्छाई है बुराई नहीं है। 28 दिन बाद बताया लगने के लिए। 28 तारीख। कुछ लोगों का मानना है कि इसको वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत आ रही है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं और हमको तो अच्छा लगा। कितने आपके स्टाफ के टीका लगाए गए? आज कम से कम लमसम मेरे ख्याल से 15-20 तो लगी गए। 15-20 के लमसम। आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मैं भी गया था ना वासियत से, यहाँ नहीं। सर आपका नाम? SI रमेश तिवारी। ठीक।